ये जो आपको लेफ्ट टर्न दिख रहा है ना, ये रांची का, ये ही सिंगल लेन है जहाँ की, जहाँ से हमें लेफ्ट लेना है। तो यहाँ पे आपको रांची लेफ्ट दिखाएगा, तो वी हैव टू टेक अ लेफ्ट। तो ये बीच से इन्होंने कट बना के रखा हुआ है। तो दिस इज द प्लेस, ये हम यहाँ से फोर लेन हाईवे छोड़ रहे हैं और ये सिंगल लेन हाईवे ले रहे हैं एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स रांची। हमने लेफ्ट जैसे ही लिया, यहाँ से सिंगल लेन स्टार्ट हो चुका है और ये पूरी रोड अब ऐसे सिंगल लेन ही चलेगी। और ये जो पूरा रास्ता है जंगल जंगल का रास्ता है एंड छोटे छोटे गांव आएंगे जहाँ पे 20 घर 25 घर होंगे उस तरह के। और अब सड़क की जो क्वालिटी है वो चेंज हो चुकी है, लेफ्ट में सिर्फ जंगल है एंड बैरन लैंड है, देयर इज़ अ नथिंग। एंड इवन राइट में अगर आप देखोगे तो डेंस जंगल ही दिखेगा आपको। सामने आपको दिख रहा है ये जो रास्ता जाता हुआ, ये लांजी बन लाइम स्टोन माइंस है। तो दिस इज अ माइन एरिया। और हम खूबसूरत पेड़, कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर ऑफ दिस, द स्ट्रक्चर इज रियली अमेजिंग, प्यारा सा। यहाँ बहुत कुछ देखने के लिए मिलने वाला है, सीनिक ब्यूटी बहुत कमाल है इस रोड की। बट एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ कोई वॉशरूम ब्रेक्स आप नहीं ले सकते, क्योंकि अभी लास्ट जब हम निकले थे तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में वी थॉट टू टेक अ वॉशरूम ब्रेक, बट वहाँ किसी से पूछा तो उन्होंने कहा इस रोड पे कोई आपको नहीं मिलेगा और वहाँ पे भी वॉशरूम नहीं था। और हमने पूछा कोई पेट्रोल पंप मिलेगा क्या, तो वो कह रहे थे कि मिनिमम 40 किलोमीटर तक आपको यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप भी नहीं मिलने वाला है। ना ये देखो ये स्टोन्स निकल रहे हैं, माउंटेन ऑफ अ स्टोन इसके पीछे है, झाड़ियों के पीछे है। और वापस दिखता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्लियरली विजिबल था, अब विजिबल नहीं हो रहा है। स्टोन्स पहले ये दिखा देते हैं, फिर मैं बताती हूँ मैं क्या बताने वाली थी। ये हाँ ये देखिए, अगर आपको दिख रहे होंगे तो यहाँ से स्टोन्स निकलते हैं। जो लाइमस्टोन माइन का मैंने आपको बोर्ड दिखाया था वो यही माइन है। ये तो वेस्ट है, अंदर मेन होगा, मेन तो अंदर होगा, ये पूरा वेस्ट फेंका हुआ है। मैं ये कह रही थी कि हम इतनी देर से हाईवे पे चल रहे थे और बाहर अभी टेम्परेचर काफी बढ़ चुका होगा और हमें गर्मी अंदर तक फील होने लग गई थी, पर जैसे हम यहाँ पे इस रोड पे टर्न लिया है क्योंकि यहाँ पे पेड़ ज्यादा है, वी आर फीलिंग लिटिल कूलर नाउ। और हमें नेचर को संभाल के रखना चाहिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पेड़ लगाने चाहिए ताकि हमारी आने वाली जनरेशन को ये कूलर इफेक्ट आजीवन मिलता रहे। पेड़ काटने से पहले पेड़ लगाओ। हम इस रोड पे वॉशरूम ढूंढ रहे थे, वॉशरूम तो नहीं मिला, मगर लकीली वी फाउंड इंडियन ऑयल का एक पेट्रोल पम्प जहाँ पे हम रुक गए हैं। वी विल रिफ्यूल आर कार ऑल्सो एंड पैरेलली डेफिनेटली अगर पेट्रोल पम्प है तो वॉशरूम होगा। सो एंटर करने के आपको 10 मिनट बाद ही ये पेट्रोल पंप मिल जाएगा इजीली। डीजल का प्राइस इज द सेम 95 रुपीज़ 83 पैसा। जो मैंने अभी पेट्रोल पंप वाले भैया से पूछा था कि झारखंड कहाँ से स्टार्ट होगा, तो उन्होंने कहा इसी रोड पे 25-30 किलोमीटर हम जैसे चलेंगे उसके बाद उड़ीसा कंप्लीट हो जाएगा एंड झारखंड स्टार्ट हो जाएगा। इट्स अ नॉस्टैल्जिक फीलिंग, झारखंड इज अ बर्थ प्लेस। यस, झारखंड बताया ही नहीं। झारखंड इज माय बर्थ प्लेस, आई एम बोर्न ब्रॉट अप इन झारखंड, जो पहले बिहार का हिस्सा था। जब तक मैं यहाँ पे था झारखंड नहीं बना था, तब तक ये पार्ट ऑफ बिहार था। एंड आई हैव बोर्न एंड ब्रॉट अप इन जमशेदपुर। काफ़ी समय बाद मैं जमशेदपुर फैमिली के साथ जा रहा हूँ एंड फर्स्ट टाइम बाई कार जा रहा हूँ मुंबई से। सो अभी तक मैंने एक्सप्लोर भी नहीं किया था ये सारे एरिया एंड लकीली बाई कार हम जा रहे हैं। सो मैं ये सारे एरिया एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ एंड फील कर पा रहा हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप लोगों को कोई मौका मिले तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस मत करना, ट्रैवल इंडिया थ्रू कार, सो आप हिंदुस्तान का कोना कोना देख सको। अभी ऑलमोस्ट 1:30 बज चुके हैं दोपहर के, तो लंच करना था तो रेस्टोरेंट तो इस एरिया में नहीं मिलेंगे, तो हमने यहाँ पे गाड़ी लगाई है और हमने थोड़ा लंच साथ में कैरी किया था, तो वो लंच करने जा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक छोटा से गांव टाइप या पीछे घर दिख रहे होंगे आपको, तो ये थे, तो इस वजह से हमने यहाँ छाँव में गाड़ी लगा ली है एंड अभी करते हैं लंच एंड लंच करने के बाद अपनी जर्नी करते हैं कंटिन्यू।
अगर आपको इस रूट पे रुक के लंच वगैरह करना हो तो आप ज़रूर कोई गांव या छोटे मतलब जहाँ कुछ घर वर हो ऐसी जगह पे ही रुकना एंड लंच स्टार्ट करना, मतलब बिल्कुल आइसोलेटेड स्पेस पे मत करना। ये हमारा लंच है, पीछे आप देख सकते हो पराठे एंड आलू की सब्ज़ी। चलिए मेरा भी डाल दीजिए, मैं भी खाता हूँ। सॉरी गाइस, तो लेट मी फिनिश माय लंच। अभी हम खाना खा रहे थे तो इस पेड़ में हमने देखा इस तरह के फ्रूट लगे हुए थे, ये ब्लैक ब्लैक, ये जामुन तो नहीं है, इट इज समथिंग एल्स एंड वी डोंट नो व्हाट इट इज, बट काफी अट्रैक्टिव थे। सो इट्स टाइम टू मूव, हमारा खाना हो गया है, अब हम चलते हैं आगे। और अभी बजे हैं 1:28। मैं आप लोगों के साथ में एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप इस रूट पे ट्रैवल कर रहे हो तो अपना लंच अपने साथ कैरी करना गाइस, क्योंकि यहाँ पे खाने वगैरह की उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है और जिस तरह के ढाबाज आप ढूंढोगे ना उस तरह के नहीं मिलेंगे। पीछे तो थी रायपुर एंड छत्तीसगढ़ एरिया में था, बट जब से हमने उड़ीसा एंटर किया है तो हाईवे पे तो एक दो दिखे थे, ज़्यादा नहीं है, बट एज वी हैव टेकन अ लेफ्ट तो यहाँ पे तो आपको कुछ मिलने नहीं वाला है। छोटे मोटे आपको ग्रॉसरी शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ कोल्ड ड्रिंक्स एंड पानी वगैरह शायद मिल जाए आपको, मगर उससे ज़्यादा आप कुछ एक्सपेक्ट मत करना, खाना तो बिल्कुल नहीं, समोसे वगैरह शायद मिल जाए। और ये छोटे छोटे गाँव और पत्थरों से बने हुए ये, और सबसे इंटरेस्टिंग ये खपरेल वाले घर जो मैं आपको बार बार दिखाता रहता हूँ, और ये देखो ये पत्थरों से किस तरह से लोगों ने घर बनाए हैं स्टोन। ये घर ना अंदर से बहुत ठंडे रहते हैं। तो अभी हम एक नदी को क्रॉस कर रहे हैं जिसमें पानी काफ़ी कम हो गया है, बट बालू बहुत है। आप वहाँ टू ट्रक देख रहे होंगे, वो सब यहाँ से बालू लेके जा रहे हैं, यही बालू कंस्ट्रक्शन में काम आता है। ये है हमारा रियल इंडिया, लड़कियाँ साइकिल पे ट्रैवल करती थी। हैंडपम्प में पानी निकालते हुए छोटे छोटे गांव, कितनी पीसफुल लाइफ होगी ना इन लोगों। और कैन यू सी द आइसक्रीम सेलर? यस, ही इज सेलिंग द आइसक्रीम। यू गाइस वांट टू ईट? सो ये एक्टिविटी होती होगी गांव वालों की, दे यूज्ड टू वेट कि आइसक्रीम सेलर आएगा। और ये फिर एक छोटा सा गांव, 25-50 घर का। यहाँ बहुत बड़े गांव नहीं है, रोड पे हैं, लेकिन 25-50 गांव घर के ही गांव हैं, बट हाँ हर 2-4 किलोमीटर पे एक गांव दिख रहा है। और पेड़ आप देख सकते हो यहाँ बहुत पुराने पुराने और बड़े बड़े पेड़ हैं। सो अभी हम एक गांव पे रुके हैं, तो वी थॉट वी शुड गिव सम कंट्रीब्यूशन हियर ऑल्सो। तो दिस इज़ द शॉप गाँव की छोटी सी, तो यहाँ पे कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, ये भाई लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिलेगी यहाँ पे? एकदम मिलेगा। चलो बढ़िया, वो वाला भी मिलता है। कौन सा? ये वाला। हाँ नहीं नहीं वो वाला नहीं चाहिए अभी तो, ये नहीं 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 कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं। आओ सॉफ्ट निकालो, कहाँ पे क्या चाहिए? देखो यहाँ पे फ्रिज भी लगी हुई है, एंड ले लो ले लो छोटी वाली 3-4 ले लो। विल टेक द सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड एवरीथिंग। यहाँ सारी चीज़ें हैं यार, आप देख सकते हो मूढ़ी वगैरह, एवरीथिंग इज केप्ट हियर। तो हमारी शॉपिंग हो गई, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। सो लेट्स मेक अ मूव। चलो ये गांव की एक छोटी सी शॉप थी जहां से हमने सॉफ्ट ड्रिंक ली, तो चलो अब हम अपनी जर्नी यहां से कंटिन्यू करते हैं। यहां पे ना गाड़ी आप बहुत फास्ट ही चला सकते हो, क्योंकि जितने भी गाँव आ रहे हैं ना गाँव से पहले बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स बना रखे हैं इन लोगों ने। सो आपकी गाड़ी की रिदम अचानक से स्टॉप हो जाती है, और सड़कें वैसे तो सही है लेकिन जहाँ ख़राब है ना वहाँ अचानक से काफ़ी डीप गड्ढे आ जाते हैं। काफ़ी देर से ये खूबसूरत पेड़ सड़क के अराउंड चले जा रहे हैं, और ये सड़क बीच में से होती हुई जा रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा यहाँ पे। एक्चुअली इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मतलब अभी जब बारिश हो जाएगी ना तो ये और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा, मतलब ग्रीनरी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ये एक और छोटा सा कॉर्नर पे यहाँ पे भुजिया और चाय है। एक लेडी बैठ के सेल कर रही है यार, बहुत प्यारा है यार, मतलब ये एटमॉस्फेयर ना देखने में बहुत अच्छा लगता है।
दिस काइंड ऑफ ट्रैवल मेक यू रीएनर्जाइज्ड? जैसा हमने बहुत बार साउथ मूवीज में देखा है कभी कभी, रिमेम्बर लाइक ऐसे गांव के बीच में नाका लगा हुआ है। आंध्र प्रदेश की गाड़ी है ये, एपी 30। ये एक नाका लगा हुआ है और ट्रक वालों को रोका हुआ है पुलिस वालों ने, आई डोंट नो। और उड़ीसा में आंध्र प्रदेश की गाड़ी है, दिख रही है, इन्होंने रोक दिया है इसको। ये लेफ्ट में ले रहा है, हम राइट से निकाल रहे हैं। और ये भैया देखो खड़े हैं। थैंक यू भैया। अच्छा, ये गांव क्रॉस हुआ और वापस जंगल स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हो। ये छोटा सा गांव आया था, जैसे ही गांव क्रॉस हुआ ये जंगल की सरहदें वापस शुरू हो गई। यहाँ पे बकरियां चल रही हैं। और ये स्कूल है शायद। इट्स अ स्कूल। और स्कूल के बाहर कितना अच्छा इन्होंने वो बना रखा है, ग्राफिटी बना रखा है। yes. और कल्चर को बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है। हम पढ़ नहीं पा रहे बिकॉज़ ये उड़िया में लिखा हुआ है। राइट। और हर गांव के बाहर इन्होंने स्पीड ब्रेकर्स बना रखे हैं। काव्या को कुछ कहना है इस बारे में। यस काव्या, उन्होंने मेरे स्कूल के सामने रखा है कि यूजुअली दोपहर के टाइम में व्हेन किड्स गेट आउट ऑफ स्कूल, अगर गाड़ियां तेज चल रही तो मेरे माइंड में लाइक वो उसको बच्चों को टक्कर मार सकती हैं, इसलिए उन्होंने स्पीड ब्रेकर्स लगाए ताकि गाड़ियां स्लो चले। बिल्कुल सही, करेक्ट काव्या, एकदम सही। अभी देखो अचानक से जंगल कितना गहरा हो गया, मतलब वापस से प्रॉपर जंगल में हम एंटर कर चुके हैं छोटे से गांव के बाद। एंड राइट नाउ बेसिकली हम लोग उड़ीसा और झारखंड बॉर्डर पे हैं। 10-15 मिनट में हम उड़ीसा छोड़ देंगे एंड झारखंड में एंटर कर जाएंगे। है तो एक ही जमीन यार, लेकिन स्टेट्स में डिवाइडेड है, कंट्रीज में डिवाइडेड है, मगर है तो है। देखो लोकल्स कितने आराम से साइकिल में, कितना पेशेंस है इन लोगों के पास में, लाइफ में कितना टाइम है, आराम से, देयर इज नो हरी। फिर एक छोटा सा गांव आया और ये ऑटो स्टॉप लग रहा है मुझे। एक ही ऑटो खड़ा है और भैया आराम से वेट कर रहे हैं कि कोई आएगा तो मैं लेके जाऊंगा। और इस पूरे रास्ते में हम हैं, सामने से एक गाड़ी दिख रही है और हमारे पीछे कोई गाड़ी नहीं है। वापस आपको ये बकरियां चरते हुए नजर आएंगी यहाँ पे। फिर एक घर दिखाया मैं यहाँ पे, ओनली वन हाउस, और उसके बाहर भी उन्होंने एक छोटी सी दुकान बना के रखी है। अच्छा, यहाँ पे आपको छोटी दुकानें मिल जाएंगी जिससे आप पानी या सॉफ्ट ड्रिंक चाहो या भुजिया नमकीन चिप्स लेज, दीज थिंग्स यू गेट। तो लोकल्स को पता है कि ये जो हाईवे है ना, ये रांची एंड कोलकाता। गुड बाय उड़ीसा, वी हैव एंटर्ड झारखंड। ओह, ऑफिशियली नाउ आफ्टर दिस बोर्ड, ये जो रिवर तो नहीं नाला, इस पर पुल बना हुआ है, इसको क्रॉस करते साथ वी हैव एंटर्ड झारखंड। और ये झारखंड का पहला घर हमें जो दिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे गाड़ियों का नंबर भी बदल जाएंगे, अभी तक ओ से चल रहा था, अब JH20। देखो जैसे हमने क्रॉस किया और देखो स्ट्रे कैटल सब देख सकते हो आती हुई। सो अभी जोराम विलेज है, जोराम विलेज के बाद ये रांची के लिए लेफ्ट, यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है, ये अभी हमने लिया है लेफ्ट। अभी हम आगे जाके सेम रौलकिला रांची रोड पे, जो कि मुंबई कैलकटा रोड है, वो 4 लेन रोड पे वापस करेक्ट हो जाएंगे। मैंने आप लोगों को बोला था जोरम से लेफ्ट लेने के बाद 4 लेन हाईवे आएगा, आई वॉज रॉन्ग, देर वॉज अ नो 4 लेन हाईवे, यही सिंगल लेन हाईवे चल रहा है। हमने अभी सिमडीगा क्रॉस कर लिया है एंड दिस इज NH 143। तो इट वॉज माई मिस्टेक जो मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ, बट सड़क साफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सड़क में, लेकिन ये सिंगल लेन हाईवे है एंड ऊपर आप चट्टानों की माउंटेन्स देख सकते हो। बट ये पूरे रोड की जो जर्नी है ना, बहुत ही सीनिक जर्नी है, आपको ट्रैवल करते वक्त यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। ये माउंटेन बहुत इंटरेस्टिंग है देखने में और इस रोड पे। और हम ना अभी माउंटेन चढ़ चढ़ के भी आए हैं, मतलब जो सड़क थी वो पहाड़ों की इन एंड अराउंड घूम रही थी एंड वी वर क्लाइंबिंग अप, और यहाँ पे आके अभी 6 किलोमीटर पे कोलाबीरा 6 किलोमीटर पे है, और उससे पहले लेफ्ट में ये पहाड़ है जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये अभी छोटे छोटे ढाबे दिख रहे हैं
एंड पेट्रोल पंप्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं जो कि काफ़ी एक्टिव है और बड़े अच्छे बने हुए हैं। ये देखो राइट में, तो डे टाइम में तो आप बहुत आराम से इस रोड पे ट्रैवल कर सकते हो, देयर इज़ अ नो इशू। बट हाँ, नाइट टाइम में इस रोड पे ट्रैवल करना अवॉइड ही करना। ये सामने चट्टान के ऊपर बना हुआ ये मंदिर, और ये लेफ्ट से राइट तक पूरा चट्टान ही चट्टान है। But it's huge. It's very huge. ये पूरी चट्टान है। और इन चट्टानों के टॉप पे मंदिर, ये मंदिर है। ऐसा पहले कभी कुछ नहीं देखा है। सच में नहीं देखा है। और इस मंदिर पे चढ़ते कैसे होंगे, इवन आई डोंट नो, ऐसी चट्टानों को क्लाइम करके ही चढ़ना पड़ता होगा। बट बहुत सुंदर लग रहा है यार ये। बट ग्रीनरी तो कमाल है, पेड़ इतने पुराने पुराने, इतने वृद्ध पेड़ है ना यहाँ पे। और ये देखो, ये यहाँ का ढाबा है, ममता ढाबा, न्यू ममता ढाबा गोलाबीरा का। तो इस तरह के ढाबे आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। आप बहुत ज्यादा फैंसी ढाबों की एक्सपेक्टेशन इस रोड पे बिल्कुल मत रखना। तो कोलाबीरा क्रॉस करने के बाद ये साइन बोर्ड आया है, खूंटी 82 किलोमीटर, रांची 121, चाईबासा 182 किलोमीटर, इसी रोड पे स्ट्रेट जाने पे आएगा। कोलाबीरा के बाद सड़क चौड़ी हो गई है तो सिंगल लेन ही, मगर सड़क की क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। जैसे हम पीछे 35-40 से ऊपर की स्पीड में नहीं चला पा रहे थे, यहाँ पे गाड़ी आराम से 65-70-75 की स्पीड में चल रही है। बट हम गाड़ी थोड़े स्लो ही चला रहे हैं, बिकॉज स्ट्रे कैटल्स काफ़ी हैं, जैसे आपका वीडियो में भी देख पा रहे होंगे, छोटी छोटी बकरियाँ एंड गाय और गाय के बछड़े रोड क्रॉस कर रहे हैं इधर से उधर। तो हमने स्पीड कमी रखी हुई है, लेकिन सड़क काफ़ी अच्छी हो गई है। अब हम पहुंच चुके हैं खूंटी, खूंटी से टर्न है, यहाँ पे दो टर्न आएंगे जो हमें तमाड़ के लिए लेके जाएगा। तमाड़ वो रोड है जो रांची से आ रहा है। एक बार हम तमाड़ रोड पे चढ़ गए तो फिर सीधा सीधा जमशेदपुर हम पहुंच जाएंगे। तो अभी वो टर्न आ गया है, यहाँ से लेंगे राइट, ये ले रहे हैं राइट, एंड ये तमाड़, यहाँ पे एचपी का एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप से हमने लिया है राइट और ये सीधे सीधे जा रहे हैं। राइट लेने के बाद अराउंड 1 किलोमीटर के बाद वो लेफ्ट आएगा जो हमें तमाड़ रोड पे चढ़ा देगा। तो ये पेट्रोल पंप से राइट आपको ध्यान रखना है, एंड देन मैं वो भी दिखाता हूँ जैसे जहाँ से हमें लेफ्ट लेना है। हम ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर आ चुके हैं और यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट। ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन है जमशेदपुर 118 किलोमीटर एंड कलकत्ता भी 300 something है एंड तमाड़ इज 44 किलोमीटर्स हम चल लेंगे। वहाँ से लेना है राइट एंड वी विल रीच जमशेदपुर। वहाँ से फिर नाक की सीध में हमें जाना है। तमाड़ रोड पे एक बहुत अच्छी चीज़ देखी मैंने, इन लोगों ने सिटी ट्रैफिक के लिए मतलब रोड में डिवाइडेशन कर दिया है कि इस रोड पे सिटी ट्रैफिक नहीं आ सकता है, सर्विस रोड पे ही रहेगा। बट टेम्पो वगैरह तो दिख रहे हैं हमें। 114 किलोमीटर्स रह गए हैं, तो मैं दीदी से जानना चाहती हूँ कि वो कितनी एक्साइटेड है, क्योंकि वो भी अपनी मम्मी से मिलने के लिए। वेरी एक्साइटेड कि जैसे जैसे हमारा जमशेदपुर करीब आ रहा है तो हम बहुत एक्साइटेड होते जा रहे हैं कि अब हमारा जहाँ बॉर्न एंड ब्रॉटअप हम हुए हैं और उसके करीब हम पहुँचते जा रहे हैं, घर नजदीक आ रहा है, चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही है, घर वाले हमारे रिलेटिव्स हमारे मम्मी पापा सब हमारा वेट कर रहे हैं। ग्रेट। और काव्या तुम्हारी एक्साइटमेंट का लेवल क्या है? 1000। किससे मिलने की एक्साइटमेंट है आपको? अमृत, मेरी सिस्टर, कजिन। काव्या बस सो के टाइम काट रही है, जल्दी से सीधा उठे और अमृत को देखे। राइट, एंड शी इज बेसिकली सेविंग हर एनर्जी फॉर टू मीट अमृत। अपनी बहन से मिलने के लिए अपनी एनर्जी सेव करें कहीं वो थक ना जाए। जमशेदपुर जाके हम जो जिसको हम समोसा अपने साइड बोलते हैं और हमारे जमशेदपुर में से सिंगाड़ा बोला जाता है, वो लिट्टी चोखा पानी पूरी जिसको हम गोल गप्पे बोलते हैं, इस तरह के कई सारे आइटम है, सत्तू का जूस होता है वो, और जो गोलगप्पा जो पत्तलों में मिलता है उसका तो कुछ अलग ही, मतलब जमशेदपुर में खाने का हम आपको कुछ उसका एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे कि क्या क्या है वहाँ खाने के लिए जिसको मिस करते हैं अपने। उसका पूरा एक अलग वीडियो ही बनाएंगे खाने का।
बन रहा है हमारा वीडियो मैं खाना खाने का पूरा अलग वीडियो हम आपको जैसे जैसे जो जो हम वहाँ के डिशेस को एंजॉय करेंगे आपके साथ में शेयर करते जाएंगे। अभी हमारी पंजाब वाली जमशेदपुर सिर्फ 104 किलोमीटर बचा हुआ है। एक गाड़ी में तीन अलग लोग, पंजाबी वाली लेडी, दो जमशेदपुर के लोग और दो मुंबई के लोग। ये लो बताओ पंजाबी वाली लेडी, पंजाबी वाली लेडी तुझे भी पंजाब दे ही समझे हम मुंबई में हुए हैं, आप पंजाब में हुए हो और पापा झारखंडी हुआ, झारखंड जमशेदपुर में है, तो तीन अलग तीन अलग कल्चर मिक्स, हाँ तीन अलग स्टेट्स मिक्स, हमारा सारा स्टाइल का धज्जी उड़ जाएगा। क्यों 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 नहीं जब हम अपने स्टाइल में, क्या रे क्या कर रही हो? अच्छा ये वाला स्टाइल है, कितना ठो अच्छा है, एक ठो अच्छा, चलिए जाके देखते हैं, एंजॉय करेंगे और आप सब हमारे बच्चों को हम एंजॉय कराएंगे, हमारे कल्चर मुंबई वाले बच्चे, दाल चावल और इनको लिट्टी चोखा खिलाएंगे। दाल चावल तो हर रोज मम्मी खाती है, दाल चावल आलू का चोखा, वहाँ वाले दाल की और चावल की बात ही अलग है, जमशेदपुर की बात अलग है, दाल चावल आलू के चोखे की। वो तो पिछली बार भी खाया था, चाची ने बनाया था। पानी का फर्क पड़ जाता है जिसकी वजह से खाना बहुत टेस्टी हो जाता है। मगर इस पूरे चंक में संबलपुर से लेफ्ट मारने के बाद इस तरह के गाय बकरी इवन मुर्गियाँ आपको सड़क पे दौड़ती हुई बहुत सारी मिलेंगी। तो यहाँ से देखिए राइट नाउ वी आर इन अ हाइट, ये पूरा जंगल आपको क्लियरली दिख रहा है, हर तरफ घने जंगल जंगल जंगल, अब बीच में प्लेटूस, अब यहाँ कोई आबादी नहीं है। अभी हम जंगलों से निकल के आ रहे हैं और तमाड़ से कुछ 18 किलोमीटर पहले हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी दिखी हमें, मतलब ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी, आई थिंक इट इज़ सम लोकल मार्केट, यहाँ पे ऑटो स्टैंड्स हैं और ये मार्केट लगी हुई, देखो राइट में, आई थिंक ये संडे मार्केट है या रेगुलर मार्केट है आई डोंट नो, बट हाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी थी तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाएं एक्टिविटी। सड़क पे चप्पल कपड़े एंड राशन लेके लोग बैठे हैं सेलिंग के लिए, और ये देखो यहाँ के लोकल्स, दे आर द लोकल्स हियर, किस तरह से सिर में पानी लेके जा रहे हैं और वो बुजुर्ग अंकल किस तरह से चलते हुए आ रहे हैं, देखिए अरे लोकल्स अपने बच्चों को कैरी करते हुए। आपने एक चीज़ नोटिस की, हम जंगलों से इंटर किए आबादी में और जैसे ही आबादी ख़त्म हुई अगेन वी एंटर्ड इनटू जंगल, मतलब दिस प्लेस इज फुल ऑफ ग्रीनरी। और ये देखिए आज भी स्ट्रगल है पानी का, लोग कितनी दूर दूर से पानी लेके आते हैं पीने का पानी, एंड बिना वाटर तो लाइफ कुछ भी नहीं है। ये यहाँ पे मुझे टेरेन बहुत खूबसूरत लग रहा है, दूर पहाड़ है और उसके सामने ये खेत है, ये शायद जमीन को काट काट के खेत से बनाए गए हैं, खेतों के लिए बनाए गए हैं, ये भी मतलब उस तरह से ही अप एंड डाउन होगा। हाँ। आप देखोगे भी तो खेत ना एक लेवल पे नहीं है, हाँ ऊपर नीचे तो है, मिट्टी का लेवल जहाँ जहाँ पे जैसा मिला है उसको वैसे वैसे काट काट के खेती के लिए जगह क्रिएट कर दी गई है। सो अभी हम पहुंच चुके हैं तमाड़, यहां से हम लेंगे राइट, राइट लेते साथ वी विल मूव टुवर्ड जमशेदपुर एंड कलकत्ता की तरफ, यहां से अगर हम लेफ्ट ले लेंगे तो हम रांची वाले रोड पे चले जाएंगे, रांची धनबाद रोड ये आ जाएगी और हम राइट लेंगे तो ये जमशेदपुर एंड कलकत्ता रोड है और ये रहा तमाड़, तमाड़ से हम ले रहे हैं राइट, चांडिल चाईबासा रोड है, ये वर्चुअल टूर है ये आप लोगों के लिए, कभी खुद आएंगे देखेंगे तो आपको बहुत मजा आपको कनेक्ट मिल जाएगा। राइट, जैसे ही हमने तमाड़ से राइट मारा है टूवर्ड जमशेदपुर एंड कलकत्ता रोड के लिए, यहाँ आके हमें 4-lane हाईवे वापस मिला। ये जो ब्यूटी देख रहे हो ना माउंटेन्स की, लेयर ऑफ माउंटेन्स, दिस इज जमशेदपुर, ये जमशेदपुर इन माउंटेन्स के सराउंडिंग में ही बसा हुआ है पूरी तरह। आई डोंट नो कैमरे में कैसा दिख रहा है बट ये माउंटेन चारों तरफ कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, मतलब अनएक्सप्लेनेबल, आप सामने भी माउंटेन, मतलब इट्स 360 डिग्री अगर आप देखोगे ना तो माउंटेन्स माउंटेन एंड वी आर मूविंग अराउंड द माउंटेन्स, दिस इज मतलब मैं इतनी बार ब्यूटीफुल बोल चुका हूँ बट अगर आपको दिख रहा होगा कि दोनों तरफ माउंटेन हम बीच से निकल रहे हैं, ये चीज़ें हमें उदयपुर में भी काफ़ी देखने को मिली
मगर उदयपुर एंड राजस्थान में इस तरह की हरियाली बिल्कुल नहीं थी। यहाँ के सारे माउंटेन्स में ना इतनी हरियाली है और इतनी खूबसूरती है, और एक ही तरह के पेड़ मैक्सिमम दिख रहे हैं दोनों तरफ। और अभी जमशेदपुर में इंटर करने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो डिमना क्रॉस करके मानगो होके, और एक नया रास्ता बना है जो मंजीत होटल से हम राइट लेंगे, सो हम मरीन ड्राइव मतलब जो जमशेदपुर का मरीन ड्राइव है वहाँ इंटर कर जाएंगे। और हमें जाना है सुनारी, तो हम मानगो की तरफ नहीं जाएंगे, मंजीत होटल से राइट ले लेंगे। दिस इज द डिस्टेंस व्यू ऑफ टाटा स्टील, आप देख सकते हो किलोमीटर्स में फैली हुई है, ये है टाटा स्टील की फैक्ट्री। ये जो राइट है जो मैंने पीछे दिखाया है आपको, जहाँ पे जमशेदपुर शहर लिखा हुआ है, इस ट्रक के पीछे भी एक बोर्ड है जो विजिबल नहीं है, दिस इज जमशेदपुर शहर, और ये आगे मंजीत ढाबा है, ये रहा मंजीत ढाबा, ये निशानी है, यहाँ से हमें लेना है राइट। ये देखिए ये राइट, यहाँ पे बना हुआ एक चौक जिसमें एक मूर्ति लगी हुई है। तो ये मानगो से पहले वाला टर्न है, ये नया बना है, यहाँ से आप साक्षी भी जा सकते हैं एंड टाटा स्टेशन नगर स्टेशन भी जा सकते हैं और सुनारी भी जा सकते हैं। ये हम जमशेदपुर में ऑलमोस्ट अब इंटर कर रहे हैं, और ये टाटा स्टील जो हमने थोड़ी देर पहले आपको दूर से दिखाई थी, अब हम उसके करीब पहुंचते हुए, और इसने इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है ना, टाटा नाम ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। है मरीन ड्राइव जमशेदपुर का, आप कपल्स किस तरह से बैठे हैं और लोग किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं आप इसी से समझ सकते हो। एंड ये जो नदी है ये ऐसे चल रही है, इसके साथ साथ की पूरी रोड को मरीन ड्राइव कहते हैं यहाँ पे। और हमें जाना है सुनारी, तो ये आदित्यपुर के लिए है, सर्किट हाउस डन, हम देखते हैं जी, यहाँ पे पुलिस भी बैठी हुई है। ये रिवर के साथ साथ जो सड़क चल रही है इसे मरीन ड्राइव कहते हैं। Why? What you can't control, Kavya? I'm too excited. Of what? Meeting Amrit. Yay! Where you I are? I haven't met her. We are like 1 minute away. येलो दादू को देखो, ये दादू बैठो डीजे, चलो डीजे, लो दादू हमें यही मिल गए, लुक एट द एक्साइटमेंट, बैठो बैठो, की लेना है दिस फुल क्या बूस्टफुल, ओ माय गॉड लुक एट कामया द एक्साइटमेंट, चलो लेट्स गो इन इन, ये एक ही तो एंट्रेंस है, रुक ले रुक ले, हां हां अमृत कहां गई है, वो नया घर देखने गई थी, वो इधर ही है ना, लेकिन नया घर भी तो, हां ये मतलब यस आई थिंक अमृत दिख गई, अमृत दिख गई, सो फाइनली वी हैव अराइव। हां जी बहुत चंगा लग गया, चलो जा, बहुत चंगा लग रहा है, दीदी आई है, ब्लेसिंग्स लेने होती हैं, चलो हाँ, कैन यू बिलीव जमशेदपुर ऑल्सो हैज ह्यूज बिल्डिंग्स लाइक मुंबई। अमृत, अरे अमृत मिल्क पीने लगी,